करो। हेलो गाइस, हाय गाइस, हम IER आ गए हैं। IER आ गए। हमें ऐसा लगता है कि हमने कश्मीर पता। VC ग्राउंड में बैठे हुए हैं क्योंकि हमारा जो है वो लेक्चर नहीं है, तो मैंने सोचा उन पर 25% ऑफ लगा के भी हमारी औकात से जो था वो बाहर ही था, तो इसलिए हम सब फेंक देंगे। गाइज मैंने अपनी प्लेट डेकोरेट कर लिया। गाइज ये गरीब लोग कह रहे हैं कि इन्होंने हमारी टेबल पे केचप नहीं रखा। तमीज होती है थोड़ी जगह जगह पे। तुमने ये रखवाया। गाइज अस्सलाम वालेकुम एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू इमी खान ऑफिशियल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज मेरा यूनी का पहला दिन है इस वीक का। यूनी तो मैं कब से आ रही हूँ वैसे, इस वीक का पहला दिन है तो मैंने सोचा आज भी व्लॉग बना लिया जाए। तो आज मैं ज़रा चीज़ें लेने गई थी, तो मैंने वो भी आपको दिखा दी। मुझे एक फ़ैन मिला था, उसने मुझे चीज़ लेकर दिया। एक तो ये बस की आवाज़। गाइज पार्टी हो रही है। गाइज मैं चीज़ी लेकर आ गई हूँ। VC ग्राउंड में बैठे हुए हैं क्योंकि हमारा जो है वो लेक्चर नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना इधर ही बैठ जाऊँ थोड़ी देर। और इधर मुझे एक काम था, मैंने थोड़ा सा शूट करना था। मेरे दोस्त का मच्छर काट रहे हैं, इसका खून बहुत ही मीठा है। मेरा तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीठा है ना। ऑडिटोरियम से आ रहे थे तो वहाँ पे फोर्क्स एंड नाइफ वाले जो हैं वो खड़े हुए थे। उन्होंने हमें दिया और कैपन यूनिवर्सिटी वालों को 25% ऑफ है। फिर जब मैंने डील्स की प्राइसेस देखी हमारी औकात से, उनमें 25% ऑफ लगा के भी हमारी औकात से जो था वो बाहर ही था, तो इसलिए हम सब फेंक देंगे, हमारे काम का नहीं है। हम पढ़ने आ गए, गए प्रोग्राम तो भर गया। गाइस इनका प्रोग्राम भर गया। हम IER आ गए हैं। IER आ गए। हमें ऐसा लगता है कि हमने मीट पता कर लिया। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको व्यू दिखाएंगे। ये डिपार्टमेंट मुझे बहुत पसंद है। फ्रंट कैमरा मेरे दोस्त वीडियो साफ करने की ट्राई कर रही है। हाँ हाँ बोल बोल। गाइस मेरे दोस्त का पता करा है आज। गाइस मुझे मेरा एक फैन मिला है, मुझे चीज़ दिलाना। ओके गाइस उसको बैग नहीं पसंद आया। गाइस हम इसका बैग लेने आए। बैक टू द यूनी। व्लॉगर होने का बहुत नुकसान है, आपको हर वक्त व्लॉगिंग ही करनी पड़ती है। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। बाय बाय, क्योंकि मुझे अब शर्म आ रही है, मैं मज़ीद नहीं बोलूँगी। बाय। रुक जाओ। यूनी से वापस आने के बाद मैंने सोचा क्यों ना एग्जीबिशन पे दोबारा जाया जाए, क्योंकि पिछली दफ़ा जब हम गए थे तो एग्जीबिशन का स्टार्ट था और कोई भी स्टॉल जो है वो नहीं लगा हुआ था। लेकिन हमारी किस्मत जो है वो इतनी फूटी हुई है, एक किस्म का हमारी किस्मत को ना ग्रहणी लगा हुआ है, क्योंकि इस दफ़ा जब हम गए तो एग्जीबिशन का एंड चल रहा था और सारे स्टॉल जो है बंद हो रहे थे। हमने क्योंकि गोलगप्पे खाने थे इसलिए हम अंदर गए थे, उसका स्टॉल भी जो है वो बदकिस्मती से बंद हो चुका था। फिर हम सब ने सोचा क्यों ना बाहर से ही खाना खा लिया जाए, लेकिन बाहर से खाना खाने के लिए ज़्यादा लक्ष्मी की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हम फिर ATM गए। ATM में भी हमारी किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया। वहाँ पर वीज़ा कार्ड चल रहा था और हमारे पास मास्टर कार्ड था। उसके बाद भाई की फरमाइश थी कि पिज़्ज़ा खाया जाए, तो हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया और काफ़ी इंतजार के बाद जो है हमारा पिज़्ज़ा जो है वो आ गया था। टन टना टन टना। गाइस ये गरीब लोग कह रहे हैं कि इन्होंने हमारी टेबल पे केचप नहीं रखा। अब इन्हें कौन बताए, वो बाद में खुद ही रख देंगे जब वो ऑर्डर देने आएंगे। बेइज्जती कराते हैं, बहुत बेइज्जती कराते हैं। यहाँ पर इमी खान जो है अपनी प्लेट की ओर कर रहे थे और उनका देखा देखी जो है सब शुरू हो गया था। ये हमने हॉट विंग्स ऑर्डर किए थे, लेकिन हॉट विंग्स के नाम पे उन्होंने पता नहीं हमें क्या दे दिया था, जो मजाक ही किया था। उसके बाद ये मेरे साथ वाली बहन की प्लेट है, वो भी डिक्योर कर रही थी। हया मलिक की राफिया जो वो भी अपनी प्लेट डिक्योर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका जो आर है ना बार बार डिंगा चिपा रहा था, लकवा मारी जा रहा था उसके आर को। सब ने जो है बारी बारी अपनी प्लेट जो है वह डिक्योर कर रही थी, क्योंकि पागलों को जहाँ लगाओ वो वहीं पे जो है वो लग जाता है। यहाँ पर जो पिज़्ज़ा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था, बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। और मेरी कोशिश थी कि मैं जो है ना केचप से जो है ना इसे भर दूँ, यहाँ पर जो है ना केचप ने नदी बहा दूँ। लेकिन फाइनली मैंने फिर इसे खाने लायक बनाने की कोशिश करी थी और फाइनली यहाँ पर मुझे इसका टेस्ट जो है वो पसंद आ गया था। आपका मेरी शक्ल से लग ही रहा होगा। और यहाँ पर जो मैंने कोक सारी की सारी जो है वो ख़त्म कर दी थी। या और मेरी बहन जो है वो मुझे गुस्से से देखे जा रही थी कि अभी पिज़्ज़ा रहते हैं और तुमने जो है ना सारी ख़त्म कर दी। यहाँ पे हमारा सिबलिंग मोमेंट स्टार्ट हो गया था, क्योंकि हमारे पास पिज़्ज़े के स्लाइसेस थे 2 और हम लोग 4 लोग थे। ताकि और हमने अपनी बहन को कहा इसे 1 किलो डिस्ट्रीब्यूट कर दो ताकि हमारे दरमियान फड्डा ना हो, क्योंकि पिज़्ज़े के मामले में कोई भी दोस्त नहीं होता, कोई बहन भाई नहीं होता, सब दुश्मन होते हैं। और यहाँ पे ये 1 किलो डिस्ट्रीब्यूट करने लगी थी, क्योंकि ये काम बखूबी सर अंजाम दे रही थी। और राफ़ी अपना मुसलसल लकवा मारा हुआ आर्ट जो है वो ठीक करने की कोशिश कर रही थी और यहाँ पर वो अपने मकसद में कामयाब हो चुकी थी और उसका आर्ट जो है फाइनली ठीक हो चुका था। टन टना। और यहाँ पे भी वही काम हुआ, इसकी देखा देखी जो है ना सभी अपनी प्लेट के आगे क्वेश्चन मार्क्स लगाना शुरू हो गए थे। और ये हाया मलिक की प्लेट। और एज यू नो यहाँ पे बुशरा मलिक भी मौजूद हैं। बुशरा मलिक जो है इन कामों से कैसे पीछे रह सकते हैं कि उनकी दीदी जो है वो क्वेश्चन मार्क लगाएं और बुशरा मलिक जो है वो क्वेश्चन मार्क ना लगाएं। हाउ इज़ दिस पॉसिबल? मैंने बिल्कुल सेम उनकी तरह अपनी प्लेट जो है वो डिक्योर करना शुरू कर दी। पहले बी लिखा, फिर बी के आगे क्वेश्चन मार्क लगाया। इफ़ एनी वन इंटरेस्टेड काइंडली कॉन्टेक्ट। मुझे तो अपनी प्लेट यहाँ पे बहुत खूबसूरत लगी थी, बहुत हसीन क्यूट। लेकिन जो मेरी बहन है ना वो बार बार राफ़ी मलिक की प्लेट पे जूम करी जा रही थी। मेरे साथ तो वैसे स्टेल वाला सलूक होता ना, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता। और यहाँ पे बुशरा मलिक कोई कांड ना करे। मैंने अपने ड्रेस पे जो है ना वो गिरा दी थी, जो कि उछल उछल के मेरी बहन के ऊपर भी गिर गई थी। वो कहते हैं ना सनम हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे। यहाँ पर मैं अपनी बहन को भी अपने साथ ले डूबी थी। एक तो ज़िंदगी के जितने भी स्यापे होते हैं ना वो मेरे साथ ही होने होते हैं ना। मुझे मज़े का पिज़्ज़ा मिला ना, हमें गोलगप्पे मिले, और जो कॉक थी वो भी आ जाके मुझ पे ही गिर गई। और यहाँ पे जो ना मेरा भाई हमें गुस्से से देख रहा था, क्योंकि ये रज़िया भी गुंडों के दरमियान जो फंसी हुई थी। गाइस हमने एग्जीबिशन से गोलगप्पे खाने हैं, अब हमें दोबारा उसी साइड पे जाना पड़ रहा है कि एग्जीबिशन में स्टॉल्स लगे हैं कि नहीं लगे। किधर हम एग्जीबिशन वाली साइड पे नहीं जा रहे थे तो इधर है ना एग्जीबिशन, तो उधर चलो। और यहाँ पे हमने सोचा क्यों ना एग्जीबिशन का नाइट व्यू भी कैप्चर कर लिया जाए, क्योंकि माशाल्लाह से बहुत प्यारा डिक्योर हुआ था तो इसका नाइट व्यू कैप्चर करना जो है वो बनता था। उसके बाद यहाँ पे आई लव फोर्ट्रेस के मॉल लिखा होता है, वो जगह इंतहाई खूबसूरत है। तो हमने सोचा क्यों ना एंडिंग क्लिप है वो हम यहीं पे ले लें। हमने यहाँ पे काफ़ी ट्राई की कि हमारी एंडिंग क्लिप है जो यहाँ पर बन जाए। हम ट्राई करते रहे, लेकिन हमारी क्लिप नहीं बन रही थी। काफ़ी ट्राई की, ये हम 1000 तरीके अपनाते हुए कि किसी तरीके से हमारी जो एंडिंग क्लिप बन जाए। काफ़ी टाइम के बाद 6-7 हज़ार सालों के बाद जो हमारी फाइनल क्लिप जो है वो बन गई थी। 2 hours later. चलो, hello guys, hi guys. बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।